एक्टर यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 को देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों ही मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया था, जिसमें फिल्म के लीड एक्टर यश, संजय दत्त और रवीना की झलक देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, KGF चैप्टर 2 के इस टीजर को YouTube पर 160 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इतने व्यूज पाने के बाद ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीजर में शामिल हो चुका है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी ज्यादा क्रेज है। वहीं अब ये फिल्म रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा के लिए मुसीबत बन सकती है। दरअसल हाल ही में यशराज फिल्म ने शमशेरा की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए खुलासा किया है कि ये फिल्म इस साल 25 जून को रिलीज होगी। अब ये सबको पता है कि बड़ी से बड़ी फिल्म भी इस साल KGF 2 के सामने आने से बच रहे हैं, ताकि उन्हें बॉक्स ऑफिस पर नुकसान ना झेलना पड़े। लेकिन फिर भी रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का ऐलान हो गया है। सुनने में आ रहा है कि रणबीर कपूर की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के लिए कुछ ही हफ्ते मिलेंगे, क्योंकि शमशेरा की रिलीज के 20 दिन बाद ही KGF चैप्टर 2 थिएटर्स पर दस्तक देगी। ऐसे में फिल्म को कमाई करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। बता दें कि शमशेरा में रणबीर सिंह के साथ वाणी कपूर और संजय दत्त भी नजर आएंगे। फिल्म में रणबीर डबल रोल में नजर आएंगे, जो बाप और बेटे दोनों के ही किरदार में दिखेंगे। वही फिल्म में संजय विलन के रोल में होंगे। ये फिल्म डकैत पर बेस्ड होगी। फिल्म का बजट 250 से 300 करोड़ बताया जा रहा है। बात करें KGF चैप्टर 2 की, तो ये फिल्म भी काफी बड़े लेवल पर बनाई गई है। इस फिल्म में यश के साथ संजय दत्त भी दिखाई देंगे, जो कि खतरनाक विलन अधीरा के रोल में नजर आएंगे। वही फिल्म में रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी भी इम्पॉर्टेंट रोल में नजर आएंगी। हाल ही में खबरें आई थी कि रितेश और फरहान ने इसके हिंदी राइट्स 90 करोड़ में खरीदे हैं, जो कि एक रिलीज फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के तेलुगु राइट्स को 35 करोड़ में बेचा गया है। इतना ही नहीं, फिल्म के कन्नड़ राइट्स, तमिल राइट्स और मलयालम राइट्स को 10 करोड़ में बेचा गया है। वेल, देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या वाकई में KGF चैप्टर 2 के चलते रणबीर की फिल्म शमशेरा पर बुरा असर पड़ता है या नहीं।